आम आदमी पार्टी ने देश भर में मिशन बुनियाद चलाया था, जब देश के 300 से अधिक जिलों में पार्टी की कमेटियों का गठन किया गया। इसी तरह से 8 राज्यों में पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया था। इनमें से कई समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद एक साल में लाखों नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे सभी लोगों को जोड़कर हर स्तर पर पार्टी का पुनर्गठन किया जाए। इसके लिए पार्टी मिशन विस्तार शुरू कर रही है। अगले एक वर्ष में पार्टी देश भर में बूथ लेवल से राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के इस संगठन का पुनर्निर्माण करेगी। पार्टी के सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराएंगे, लोगों को जोड़ेंगे और देश में ईमानदार राजनीति स्थापित करने के लिए एक मजबूत संगठन बनाएंगे। इसके लिए हर स्तर पर मौजूदा पार्टी की समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। जिला और राज्य स्तर समितियों में नए और पुराने लोगों को लेकर पुनर्गठन किया जाएगा। ऐसे लोगों को काम दिया जाएगा जो गांव-गांव में घूमकर संगठन का निर्माण करेंगे और संगठन के लिए अधिक से अधिक समय देंगे। इसके बाद राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी पुनर्गठन होगा, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों से लोगों को शामिल किया जा सके और नए लोगों को शामिल किया जा सके। और पुनर्गठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी नई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन करेगी। यह एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए पूरी योजना बनानी होगी। इस योजना का खाका तैयार करने के लिए और प्रारंभिक कार्य शुरू करने के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी हैं, इसके अन्य सदस्य हैं श्रीमती अंजलि दमानिया, प्रोफेसर आनंद कुमार, प्रवीण अमनुल्ला, श्री आशुतोष, संजय सिंह, अतिशी मारलेना, कृष्णकांत सवेड़ा, पंकज गुप्ता और पुरुषोत्तम कुमार। अजीत झा जी इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये तो विशेष, ये जो पार्टी का मिशन विस्तार है उसके बारे में। इसके अलावा पार्टी में एक और 2-3 दिन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक और प्रस्ताव पारित किया गया, मैं वो भी पढ़ के साथ, जो पार्टी देश भर में राजनीतिक स्थिति है। नरेंद्र मोदी जी देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, हम उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे देश के लोगों की उम्मीदें पूरी करेंगे। कांग्रेस सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दुगने करना चाहती थी। आम आदमी पार्टी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से अपील करके इस चुनाव तक उसे रुकवा दिया था। अब अखबारों में छपी खबरों के अनुसार बीजेपी की नई सरकार मुकेश अंबानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए गैस के दाम दुगने करने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, खाद और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे, सभी खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। हम बीजेपी की सरकार से अपील करते हैं कि गैस के दाम कतई ना बढ़ाए जाएं। हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि सरकार डिफेंस के क्षेत्र में FDI 100% FDI परमिट कर रही है। ये तो बहुत गलत हो जाएगा, इससे तो हमारी रक्षा विदेशियों के हाथों में चली जाएगी। इस पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए। अभी पुणे में एक संगठन के सदस्यों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, यह बहुत दुखदाई है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे संगठनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज देश के कई हिस्सों में महिलाओं के साथ कुकर्म हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और इसमें सभी पार्टियों की सरकारों को मिलकर इस बारे में ठोस कदम उठाने होंगे। नई सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर काला धन वापस देश में लाने के लिए SIT का गठन किया है। इसका हम स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार काला धन देश के बाहर जाने के जो तरीके हैं उन्हें तुरंत बंद करेगी, जैसे प्रोमिसरी नोट्स को बंद किया जाएगा, जिन देशों के साथ DTA में दोष है वो ठीक किए जाएंगे इत्यादि। पिछले 15 दिनों में दिल्ली में बिजली और पानी की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली में लोगों को 24 घंटे बिजली और पानी मिल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में बीजेपी के कार्यकाल में दिल्ली में बिजली और पानी का बुरा हाल हो गया है। हम मानते हैं कि बीजेपी की सरकार को बने अभी कुछ दिन हुए हैं। हम मांग करते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार तुरंत
दिल्ली में बिजली और पानी की किल्लत को ठीक करेगी। आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बिजली के दाम आधे किए थे। 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार के लिए मुफ्त किया था। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार गई, केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी और लोगों पर बिजली और पानी के बड़े दामों का बोझ डाल दिया। हम मांग करते हैं कि केंद्र की बीजेपी की नई सरकार बिजली और पानी पर तुरंत सब्सिडी दे और जनता पर महंगाई का बोझ हल्का करे। आम आदमी पार्टी के 4 सांसद इन सभी मुद्दों पर संसद के अंदर इन सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। इसके अलावा हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इसके अंदर कई नए सदस्यों को स्पेशल इनवाइटी के तौर पे आमंत्रित किया गया है। मैं प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ, जब तक पुनर्गठित नहीं होती अब नए मिशन विस्तार के तहत, तब तक के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित किया गया। मैं प्रशांत जी से कहूंगा कि उनके नाम पढ़ के सुना रहे। इनके नाम हैं आलोक अग्रवाल, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं और हमारे खांडवा के कैंडिडेट थे। अनिल त्रिवेदी, जो कि एक बहुत ही जुझारू पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर रहे हैं, सारे संगठनों को मदद करते रहे हैं और हमारे इंदौर से कैंडिडेट थे। आशीष खेतान, जो कि बहुत ही इस देश के सबसे सर्वोत्तम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कहे जा सकते हैं, हमारे नई दिल्ली से कैंडिडेट थे। आशुतोष, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि हमारे चांदनी चौक के कैंडिडेट थे। भगवंत मान जी, जो हमारे संगरूर से जीत कर आए हैं, लोकसभा के सदस्य हैं। दयामणि बारला, जो कि झारखंड में एक बहुत ही जुझारू ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, हमारी कैंडिडेट भी थी झारखंड से। धर्मवीर गांधी जी, वो भी जीत कर आए हैं पटियाला से, लोकसभा के सदस्य हैं। दिलीप पांडे, जो हमारे नए जनरेशन के बहुत ही बढ़िया लीडर हैं, यंग। डॉक्टर सलील शाह, जो असम के हैं। डॉक्टर अशोक, जो कि यहाँ दिल्ली के हैं। गुल पनाग, जिनको आप सब जानते हैं, जो कि चंडीगढ़ में हमारी कैंडिडेट थी। हरिंदर सिंह खालसा जी, वो भी हमारे लोकसभा के सदस्य जीत कर आए हैं पंजाब से, जो कि पहले नॉर्वे के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। आईडी खजूरिया जी, जो कि जम्मू से हैं। कंचन चौधरी, जो कि हिंदुस्तान की सबसे पहले महिला डीजीपी रह चुकी हैं और हमारी कैंडिडेट थी हरिद्वार से। कनु भाई कलसारिया, जो एक बहुत ही जुझारू, बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टिविस्ट गुजरात के हैं, जो हमारे कैंडिडेट थे गुजरात से। लिंगराज भाई, जो कि उड़ीसा के बहुत किसान आंदोलन